डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने इनवर्स एक्स प्लस इनवर्स बारे में डिस्कस किया। बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव किए, ड्राइव करने के बाद उन पर कुछ एग्जांपल किए। अब उन फॉर्मूलों को आपको मेमोराइज करना है, याद रखना है। अब उनका यूज करते हुए कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस को देखो। स्क्रीन पे क्वेश्चन गिवन है कि द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स, टेन इनवर्स का आर्गुमेंट है बाई टू इंटू टेन टू है, फिर प्लस टेन इनवर्स कोट है, फिर प्लस टेन इनवर्स कोट टू, ये दिया है जीरो से पाई बाय फोर। तो इन चार ऑप्शनों में से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इस एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट होगी, ये हमें बताना है। देखो सॉल्व करें इसको। तो वे ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए कि हमारे दिमाग में क्या चीज आनी, दिमाग में ये आ रहा है देख के क्या समझ में आता है। ये देखो जरा पहले कि तीन टेन इनवर्स हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स, है ना, जो भी टेन इनवर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री है और उसका एक एंगल है ए। फिर हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का यूज करें। देखो करें, एक बार तो मैंने इसको ऐसे का ऐसे लिख दिया यहाँ पर कि टेन इनवर्स टेन टू ए डिवाइड बाय प्लस में टेन इनवर्स फोर्टे, फिर प्लस टेन इनवर्स फोर्ट, ऐसे कर दिए। ए हमें एक गिवन है, ये मैंने लिख दिया कि ए क्या है, ए बिलोंग टू है जीरो से पाई बाय। अब किस किस में फार्मूला लगाएंगे, देखो कोट है और कोट टू है, इन दोनों में लगाते हैं कि इसको तो ऐसे कैसे लिख दिया एन इनवर्स एन टू ए बाय। और जैसे ही मैं यहाँ फार्मूला लगाऊंगा टेन इनवर्स ये एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो उसके तो फिर दो फार्मूले थे, एक तो सिंपल था टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, एक था पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स। किसका यूज किया जाए कैसे पता लगता था, एक्स और वाई दोनों क्या होने चाहिए ग्रेटर देन जीरो, एंड एक्स इंटू वाई का जो मल्टीप्लाई है उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा लगेगा। तो यहाँ पे एक्स तो क्या है, एक्स की जगह तो है कोट है, तो वाई की जगह है कोट क्यूब। ए जो है ना, ए देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल ये दिया हुआ ना हमें यहाँ, ए जीरो से फाइव बाई फोर, तो कोट है और कोट क्यूब है दोनों ही क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, और दोनों का मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई देखो कैसा आएगा, एक से बड़ा आएगा एक से छोटा आएगा। जीरो से फाइव बाई फोर के बीच में कोट की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, वन से ग्रेटर वैल्यू होती है। जीरो से पाई बाय फोर में कोट क्या होता है, जीरो पे तो प्लस का इन्फिनिटी होगा, है ना, कोट का ग्राफ याद है, ऐसा ग्राफ था देखो कोट का, जीरो ये पाई बाय टू, यहाँ होगा ये पाई बाय फोर, पाई बाय फोर पे था ये वाई इक्वल टू वन, यानी ये सारी वैल्यू क्या है वाई की वन से ग्रेटर है। जीरो से पाई बाय फोर में ये वन से ग्रेटर, ये वन से ग्रेटर, दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा ग्रेटर देन वन आएगा। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, पाई प्लस टेन इनवर्स कोट है प्लस में कोट क्यूब है, फिर वन माइनस कोट है टू में कोट, तो ऐसे कैसे लिख दिया मैंने टेन इनवर्स टेन टू ए का एक फार्मूला होता है उसका यूज कर लें क्या, चलो कर लेते हैं। टेन टू ए का फार्मूला क्या था, टू टेन ए अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वायर, और इधर आ गया ये टू, जो हो गया टू से ये टू कैंसिल हो गया, प्लस में पाई प्लस टेन इनवर्स, इसको सिंप्लीफाई करो जरा,
कैसे करें? ऊपर से एक पोर्ट कॉमन ले लिया मैंने, पोर्ट है कॉमन, वन प्लस कोट स्क्वायर, फिर डिवाइड में वन माइनस कोट की पावर फोर। ये बात समझ में आ गई? देखो तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं आगे, बजट कम पड़ रहा है, बजट मीन्स स्पेस कम पड़ रहा है, ऐसे कम नहीं पड़ रहे, बजट का मीन्स है यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, अब इसमें आए टेन इनवर्स, वन माइनस कोट की पावर फोर है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का यूज करें तो एक तो बनेगा वन प्लस कोट की, वन प्लस कोट स्क्वेयर है, वन माइनस कोट स्क्वेयर, वो वन प्लस कोट स्क्वेयर है न्यूमरेटर में भी है तो वो कैंसिल हो जाएगा। क्या लिखा देखो, कोट है कौन में वन माइनस ये लिखो, इन्हें में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्लियर है। और आते हैं आगे, देखो यहाँ लिखा मैंने टेन इनवर्स है, ये तो एडिटी की है, टेन है कौन में वन माइनस टेन, इस कोट वाले को भी हम क्या करें, कोट वाले को भी टेन में बदल देते हैं पूरे को, देखो क्या बन जाएगा, फाइव प्लस टेन इनवर्स वन बाय टेन है अपॉन में टेन स्क्वेयर ए माइनस वन अपॉन में टेन, एक टेन है तो कैंसिल, इससे क्या बचा, ये वाली टर्म तो ऐसे कैसी लिख दी, टेन इनवर्स टेन है अपॉन वन माइनस टेन स्क्वेयर है प्लस फाइव प्लस टेन इनवर्स, ये क्या बना देखो, ये टेन है ऊपर नीचे टेन स्क्वेयर ए माइनस वन, यही बनेगा ना। और इसमें से अगर एक मैं माइनस कॉमन ले लूं, देखो इसको ऐसे लिख दिया टेन इनवर्स टेन ए कॉमन में वन माइनस टेन स्क्वेयर, ठीक, इसमें से एक माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया टेन इनवर्स टेन ए कॉमन में वन माइनस टेन स्क्वेयर। अब ये वाली पूरी की पूरी टर्म इस वाली टर्म को कैंसिल कर, ठीक है, क्या बच गया, ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। इसमें आंसर क्या बन गया, कौन सा बनेगा, फोर टेन इनवर्स वन बना या टू टेन इनवर्स टू बना, देखो फोर टेन इनवर्स वन कितना होता है, फोर टेन इनवर्स वन यानी फाइव बाई फोर, यानी फर्स्ट आंसर करेक्ट है, डायरेक्ट आंसर नहीं है, इनडायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन क्या है करेक्ट है। ये तो हमारा ये वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं देखो, नेक्स्ट ये क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया, स्क्रीन पे दिया हुआ है ना आपके, देखो ये वाला क्वेश्चन है, इफ टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस टेन इनवर्स, देखो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, या कहते टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस सेवन प्लस फाइव, सोल्व करते हैं। तो अगर सोल्यूशन करूँ मैं, सोल्यूशन करने से पहले देखो ये फॉर्मूला आपको बताया था, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या था, टेन इनवर्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई और प्लस में पाई, ये प्लस में पाई कब, जब एक्स वाई क्या हो जाए वन से ग्रेटर हो जाए, और ये फॉर्मूले हमने बनाए कब थे, जब x भी जीरो से बड़ा है और y भी, यानी इस फॉर्मूले के लिए तीन कंडीशनें होनी जरूरी है, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशंस को लगाने के लिए क्या, अब इस फॉर्मूले को देखो, ये तो हो गया पूरा का पूरा x, ये x है ये y है, तो जो x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, इसकी जगह क्या आएगा माइनस है, तो यानी मैं इसको पूरे को इस फॉर्मूले में रखूं तो देखो क्या होना चाहिए, एक तो x प्लस वन डिवाइड बाय x माइनस वन क्या हो ग्रेटर देन जीरो, एंड x माइनस वन अपॉन x ये भी क्या हो ग्रेटर देन जीरो हो, और x प्लस वन अपॉन में
x-1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, और चीज और बनेगी वो क्या है कि x+1 अपॉन x-1, फिर प्लस में आगे लिखता हूं क्योंकि ये बड़ी टर्म बनी, ये क्या है दूसरी एक की x+1 अपॉन x-1, फिर प्लस में x-1 अपॉन x-1 टू में x-1 अपॉन x, पूरे की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए 7 के इक्वल होनी। तो यहां से देखो इस फर्स्ट वाले से तो आएगी x की इक्वालिटी कि x इसके इक्वल होगा, और ये बाकी सब देंगे इनइक्वालिटी, ठीक है, ये इंटरवल देंगे कि x इस इंटरवल का हो, तो उससे जो वैल्यू आ रही है वो अगर इस इंटरवल इन इंटरवलों को सेटिस्फाई करती है तो क्या है तो करेक्ट है ना। तो देखो सभी को मैं इसमें ये तो कैंसिल हो गया, बस ये लिख देंगे कि x 1 के इक्वल नहीं हो सकता, इनइक्वालिटी से तो क्या बन गया +1 अपॉन x ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 1 को तो नहीं, इसको ऐसे करें 1 को इधर ले आते हैं, -1 ग्रेटर देन क्या बन गया -x तो कट गया, ये बन गया 1 अपॉन x ग्रेटर देन। तो देखो ने तो कहा -1 +1 +-+, इसने तो ये कहा कि इधर वाले ले लो, ये ने क्या कहा दूसरे वाले ने एक्स की वैल्यू 0 और 1, फिर प्लस माइनस और प्लस, ठीक है, इन्हें भी यही कहा कि 1 से बड़ा ले लो और 0 से छोटा ले लो, इसने क्या कहा, इसने कहा कि एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी होगी, तो इसका इसका और इसका इन तीनों का कॉम्बिनेशन सॉरी कॉम्बिनेशन नहीं इंटरसेक्शन तो क्या आ गया 0 से बड़ा 1 से बड़ा 1 से बड़ा, यानी इन तीनों का कॉमन तो ये तो इंटरवल हो गया इसका कि एक्स बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी वाला इंटरवल तो हो गया, इस इंटरवल का होना चाहिए और x इससे आएगा जो वो आंसर होगा। देखो क्या बनेगा इसको सॉल्व करें तो x² + x² - 2x + 1 नीचे बनता है square - x - x² + 1 ये कैंसिल तो -7, न्यूमरेटर तो देखो क्या बनता है 2x² - x + 1, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आएगा -x + 1 = -, और सिंप्लीफाई किया तो 2x² - x + 1 = 7x - 7, ये इधर आएगा तो 2x² - 8x + 1 नहीं प्लस का 8 बनेगा 8 = -4x + 4 ये बन जाएगा x - 2 = x = और इंटरवल को सेटिस्फाई भी करता है, यानी फाइनल आंसर क्या है फाइनल आंसर इज x। समझ में आ गया हमने क्या किया इस इंच ये फॉर्मूला जो था ये डायरेक्ट इसी के अंदर अप्लाई हो रहा है इसमें अप्लाई, तो हमने क्या किया इस फॉर्मूले के अप्लाई होने के लिए जो जो कंडीशन थी वो ये कंडीशन थी, ये तो हमने हमेशा मानी थी कैसा होगा, और इस फॉर्मूले के लिए ये होना जरूरी था, तो हमने क्या किया बस x की जगह ये हो गया y की जगह ये, तो बस x > 0 y > 0 x * y > 1 और x + y इस पूरे की जगह क्या आ रहा है इस पूरे की जगह -7 आ रहा है, इस पूरे को -7 कर दिया यहाँ पे यहाँ -7 कर दिया सॉल्व कर दिया, ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े। ये क्वेश्चन है देखो इफ fx = cos inverse x ये दिया है, देखो हमें fx = cos inverse x फिर प्लस में cos inverse x / 2 + 1/2
रूट में 3 × 1 - F2/3 निकालना है यार, की वैल्यू फाइंड करनी है F2/3। तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कोस इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स को ऐसे लिख दिया 1/2 × प्लस 1/2 को ऐसे, इसको ऐसे लिख दिया √3/2 × रूट में 1 - और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स 2 × में एक्स प्लस में, अब √3/2 को मैंने ऐसे लिख दिया 1 - 1/2 का तो ना, ये भी दिया ही आएगा √3/2, तो इसको मैंने ऐसे लिखा 1 - तो आप ध्यान से देखो, ये एक फॉर्मूला बताया था आपको कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई, ठीक है, कि कोस इनवर्स वाई प्लस तो 1 - x² तो 1 - y, ये फॉर्मूला था। इसकी क्या कंडीशन थी ये जरा याद करो, आप क्या कंडीशन लिखाई थी आपको इसमें, तो ये कंडीशन लिखाई थी कि ये कब होगा, ये होगा जब x क्या हो <= y, ये होगा जब x क्या हो <= y, और माइनस का कोस इनवर्स ये एज इट इज सारा का सारा, ये कब होगा जब x > y, ये फॉर्मूला हमने प्रूव भी किया था, याद है ना आपको, ऐसे तो कैसे काम चलेगा इतनी जल्दी भूलोगे तो। इसलिए इससे पिछला वीडियो जाके देखो, मैं इन सब के प्रूफ बताएं आपको, और ये कहा था कि ये आपको मेमोराइज करने हैं, ये याद करने हैं आपको, इनका हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ये लिखाया था आपको, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये जो बनाया ना मैंने, ये यही बनाया, देखो x की जगह तो x ही कर दो, y की जगह 1/2 हो गया बस, तो लेकिन अब लगेगा कौन सा, इस कौन से वाला लगाएं, पहले वाला लगाएं या दूसरे वाला लगाएं, तो देखो अब तो लिख रहा हूं मैं fx को, fx इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस, क्वेश्चन में देखो कुछ छोड़ दिया, cos इनवर्स x बाई टू प्लस यही दिया था कि f2/3 की वैल्यू बताओगे, f2/3 क्या आएगा, देखिए यहां पे मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि cos इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स 1/2, कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स, अब मेरे को नहीं पता इनमें से कौन सा होगा, क्योंकि देखो अगर ये वाला लग रहा है ना तब तो डायरेक्ट ऐसे कैसे लिखा जाएगा, और अगर ये वाला लग रहा है तो ये माइनस कहाँ गया, ये माइनस इस साइड में जाएगा, तो मैंने इसलिए यहाँ लगा दिया इसका मॉडुलस, ठीक है, यहाँ मैंने मॉडुलस लगाया, तो मैंने इसको देखो ऐसे लिखा मोड ऑफ कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स 1, अब ये तो एक्स पे डिपेंड करेगा कौन सी वैल्यू आएगी, तो देखो उसके लिए उन्होंने कह रखा है कि f2/3 निकालो, तो 2/3 से आएगा, मैं जैसे यहाँ f2/3 रखूंगा क्या बनेगा, कोस इनवर्स 2/3 फिर प्लस में ये वाला कोस इनवर्स 2/3 फिर माइनस का कोस इनवर्स 1/2। अब देखो कोस इनवर्स का ग्राफ अगर आपको याद है, फिर तो पढ़ा करो ग्राफ याद रखा करो, ऐसे ग्राफ पर 1/2 तो होगा यहाँ पे 0, 2/3 की तरफ 0.5 है, 2/3 0.3 होगा, 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 ज्यादा होगा, 2/3 पे जो वैल्यू आ रही है ना वो 1/2 से कम आ रही है,
इस पे इतनी वैल्यू आ रही है, कौन सी वैल्यू ग्रेट है, बाय टू वाली की वैल्यू ग्रेट है, यानी किसको पहले लिखना चाहिए, कोस इनवर्स 1/2 को मुझे पहले लिखना चाहिए और कोस इनवर्स 2/3 को मुझे बाद में लिखना। देखो मैंने यहाँ लिखा कोस इनवर्स 2/3 प्लस में कोस इनवर्स 2/2 फिर माइनस का कोस इनवर्स 2/3। अब ये वाली टर्म तो इसको कैंसिल कर देगी, तो क्या बचा, क्या बचता है, कोस इनवर्स 1/2। 1/2 कितने पे आता है, कोस में 1/2 आता है, तो पाई अपॉन, यही हमारा आंसर। क्या पूछा था मुझसे कि ये इसमें से किसके इक्वल, फर्स्ट ऑप्शन से ठीक है। पर बताऊं कि मुझे पता है यहाँ आने के बाद होगी, फर्स्ट टाइम देखो फर्स्ट टाइम में कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं होगी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, फर्स्ट टाइम तो जो क्वेश्चन है वो वही लिखा होगा। फिर सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया है, एक्स बाई टू को मैंने लिखा 1/2 इंटू में एक्स, चेंज कर लेते हैं मैंने 1/2 को इसको एक्स बाय टू को 1/2 और एक्स लिख, ठीक है। और ये था ऐसे, मैंने 3 कॉमन लिया तो ये √3/2 को एक बार लिख दिया और जो रूट में बचा 1 - x, तो इसको फिर ऐसे बनाया कि ये तो 1/2 और ये एक्स, ये एक्स इंटू वन, ये जो फॉर्मूला था एक्स इंटू वन, ठीक है, रूट में 1 - x के रूट में 1 - x, तो इसको बनाया √3/2 को ये लिख सकते हैं 1 - 1/2 का, तो एज इट इज लिख दिया यहाँ, ठीक है। अब ये फॉर्मूला था मेरे पास कोस इनवर्स एक्स माइनस को, अगर एक्स वाई से छोटा है, ठीक है, अगर एक्स वाई से छोटा और माइनस का कोस इनवर्स, माइनस का कोस इनवर्स होगा अगर एक्स क्या है वाई से बड़ा, अब इन एक्स और वाई में कौन बड़ा है, एक्स और वाई को देखना था कोस इनवर्स को, तो 1/2 और 1/3 में कौन बड़ा, देखो ये 1/2 था, यहाँ 2/2 2/3 में कौन बड़ा, 2/3 बड़ा है, इसलिए 2/3 वाले को हमने ग्राफ की जरूरत नहीं, ठीक है। डायरेक्ट ओनली एक्स और वाई को देखना है कौन बड़ा, एक तो 2/3 और एक का 1/2, तो कौन बड़ा, 2/3 बड़ा, इसलिए इसको लिखा पहले क्वेश्चन वर्ड 2/3 को, फिर तो मोड़ भी समझ में आ गई बात। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ताकि इसको सिंपलीफाई करो, और आगे ये इंटरवल दिया हो, पहले इस बार बताओ रेडी ले तो उसे स्टार्ट कर रहे हैं। देखो 10 इनवर्स 10 इनवर्स 3 sin 5 प्लस कोस प्लस में 10 इनवर्स 10 अल्फा, तो इसमें ये जो एक्सप्रेशन है ना अंदर फर्स्ट 10 इनवर्स के अंदर 3 sin 2 अल्फा अपॉन में 5 + 3 cos 2, इस एक्सप्रेशन को मैं सिंपलीफाई कर रहा हूँ, क्वेश्चन 10 की फॉर्म में चेंज करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो दूसरा 10 इनवर्स है ना उसमें भी क्या दिया है 10 अल्फा, अगर दूसरे 10 इनवर्स में साइन अल्फा होता तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये जो है ये वाला पूरा एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को मैं किसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करता, साइन अल्फा, लेकिन अब मैं उसको कोशिश करूंगा 10 अल्फा में कन्वर्ट, क्योंकि जो दूसरा 10 इनवर्स अदर 10 इनवर्स है ये वाला, ये 10 इनवर्स के अंदर इसका आर्गुमेंट क्या है, इसके आर्गुमेंट में 10 है, इसलिए इस पूरे को 10 में की फॉर्म में कन्वर्ट,
यहाँ पे लिखा थ्री टाइन टू अल्फा का फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, टू टाइन अल्फा उनमें वन प्लस टेन स्क्वेयर एंड फाइव प्लस थ्री, ऐसे ही कोस टू अल्फा का होता है वन माइनस टेन स्क्वेयर अल्फा डिवाइड बाय वन प्लस टेन स्क्वेयर। ठीक है, तो ये तो हो गया सिक्स टेन अल्फा फोन में फाइव प्लस फाइव टेन स्क्वेयर अल्फा में थ्री माइनस का थ्री टेन स्क्वेयर। तो और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो क्या बन जाएगा, देखो ये बन गया सिक्स तो टेन अल्फा एंड डिनोमिनेटर में बनेगा फाइव एट, एट प्लस में फाइव माइनस थ्री टू, एट प्लस टू टेन स्क्वेयर टू बना ही कट जाएगा तो थ्री टेन अल्फा फोर प्लस में टेन स्क्वेयर ये बन गया पूरा पूरा। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया इनवर्स थ्री टेन अल्फा में फोर प्लस में टेन स्क्वेयर प्लस में टेन इनवर्स टेन अल्फा अपॉन में ये लिख। देखो अल्फा जो है कौन से में माइनस फाइव बाई टू से प्लस फाइव बाई टू इस क्वाड्रेंट में है ना, का मतलब टेन अल्फा बाई फोर जो है ये चेंज, ये जो कंडीशन है ये ऐसे होनी चाहिए, तो ये चेंज कर लो जीरो से फाइव बाई आगे बढ़ना, क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो है ये प्लस और माइनस दोनों तरह की बंदे देख सकते हैं, फिर हमें दो केस बना के सॉल्व करना। पर जब अल्फा माइनस फाइव बाई टू से जीरो हो, एक बार जब जीरो से फाइव बाई टू फिर जब माइनस फाइव बाई टू से जीरो होगा तब ये दोनों एक्सप्रेशन अंदर के नेगेटिव होंगे, तो हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा दोनों में से, माइनस बाहर निकाल के फिर सॉल्व करना। तो मैंने ये कंडीशन कर, इस कंडीशन के कारण ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है ये भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी। अब मैंने वो एक फार्मूला लगाया टेन इनवर्स इनवर्स एक्स प्लस वाई थ्री टेन अल्फा और में फोर प्लस में टेन अल्फा प्लस में टेन अल्फा फिर वन माइनस थ्री टेन अल्फा उनमें फोर टेन स्क्वेयर अल्फा इन टू में टेन अल्फा बाय फोर। ठीक है, ये लिखा मैंने यहां पर। अब आप देखो कि ये जो फॉर्मूला लगाया ना ये भी तभी लगेगा जब एक्स इंटू वाई भी क्या होना चाहिए वन से, x into y को देखते हैं, क्योंकि अगर x into y 1 से बड़ा होगा तो मैं इसमें 5 जोड़ दूंगा, ऐड कर दूंगा 5, सेकंड वाला लग गया, तो मैं उसको जब भी चेक कर रहा हूँ उस कंडीशन कि देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो होता है वो, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा थ्री टेन स्क्वायर अल्फा वन में चार में चार प्लस टेन स्क्वायर। ये जो वैल्यू होगी ना ये वैल्यू साफ साफ दिख रही है वन से छोटी आएगी, कैसे छोटी आएगी देखो ऐसे छोटी, पर तो है न्यूमरेटर में तो है थ्री टेन स्क्वेयर अल्फा और डिनोमिनेटर क्या बन गया फोर प्लस फोर टेन स्क्वेयर अल्फा। देखो टेन स्क्वेयर अल्फा तो पॉजिटिव क्वांटिटी है ना कोई, तो टेन स्क्वेयर अल्फा सपोज एक्स है, टेन स्क्वेयर अल्फा की वैल्यू एक्स है और एक्स पॉजिटिव। अब उस एक्स को मैंने एक बार तो थ्री से मल्टीप्लाई किया, उस एक बार को मैंने फोर से मल्टीप्लाई, आप बताओ कौन सी वैल्यू गड़बड़ी होगी। पर जी बात है जब फोर एक नंबर है मेरे पास, उसको मैंने एक बार थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार मैंने फोर से मल्टीप्लाई कर दिया, या तो कौन सा बड़ा हुआ नंबर पॉजिटिव हुआ, तो फोर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही तो बड़ा हुआ, बताओ होगा ना। तो नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर का, ठीक
इसमें देखो 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ जबकि ऊपर वाले में 3 से किया हुआ, और नीचे वाला पहले ही यहीं पे ही बड़ा है, उसके अंदर 4 और ऐड कर दिया, तो ये जो है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया न्यूमरेटर से, तो वैल्यू क्या होगी, यानी यही फॉर्मूला लगेगा इसमें पाई को ऐड करने की जरूरत है। डाउट बोलो नहीं तो आगे बढ़े, तो क्या बने, बन जाएगा पूरा टेन इनवर्स। एलसीएम ले तो 12 एम्पा प्लस में 4 टेन एल्फा प्लस में टेन स्क्वेयर एल्फा डिवाइड बाय 16 बनेगा, यहाँ 4 नहीं था यहाँ 16 बनेगा, चलो अब तो और भी दिख गया हमें पड़ा है, 4 16 प्लस में 4 टेन स्क्वेयर एल्फा माइनस में 3 टेन स्क्वेयर क्या बन गया 16 प्लस में टेन स्क्वेयर, ये टेन स्क्वेयर अल्फा जब इससे मल्टीप्लाई होगा क्यों बनेगा, तो आपको दिख ही गया होगा ऊपर वाले से टेन अल्फा कॉमन आएगा, डिनोमिनेटर पार्ट टेन से बनेगा, टेन इनवर्स टेन अल्फा कॉमन लिया तो ऊपर तो क्या बचा 16 प्लस में टेन स्क्वेयर अल्फा प्लस में कैंसिल कर दी, क्या बचा टेन इनवर्स टेन अल्फा, और अल्फा जो था वो अल्फा क्या था, वो अल्फा था 0 से 5 के बीच में, यानी प्रिंसिपल वैल्यू में आता है, इसका मतलब यहाँ क्या बचा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अगर x 0 से पाई अपॉन 2 के बीच में है तो ये इसके इक्वल होगा, ये हमें देखो दैट इज x फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, इस पूरे को हमें लेफ्ट हैंड साइड में कोसिन 7/2 तो 1 प्लस कोस प्लस में ऑफ स्क्वायर एक्स माइनस 8 के अंदर ही है, अंदर है बात cos 7/2 1 plus cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 प्लस में साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस उसके तो 1 माइनस 49 ये साइन एक्स को मैंने बोला कोस इनवर्स 7 कोस एक्स और इन टू में भी ये तो क्या बन गया 1 माइनस 7 कोस एक्स का में 1 माइनस, ये बात समझ में आएगी ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए किया है ताकि ये साफ साफ फॉर्मूला बने, ये कैसे आया माइंड में कि मेरे को कैसे पता चला कि ऐसे ही करना है, ये पता लग रहा है इस 7 सेकंड स्टेप से पता लग रहा है, ये तो ये 7 है और एक ये कोस स्क्वायर एक्स है, 7 कोस स्क्वायर एक्स बचा, और वहां देखो साफ साफ दिख रहा 48 है, 48 है तो यानी 49 बना सकते हैं, आया मैंने 49 किसका स्क्वेयर होता है,
का स्क्वायर, तो वहां 7 और उधर 49 है, जिसका मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें झोल है, कुछ ना कुछ तो उनका मैचिंग बन सकता है ना, कि एक तरफ 7 है और दूसरी तरफ 7 का स्क्वायर है। वहीं से दिमाग में आया कि इसको क्या बना दो, 7 cos x का होल स्क्वायर, साथ में एक साइन एक्स है। अब cos इनवर्स का जो फॉर्मूला था वो क्या था, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या था, कि cos इनवर्स x y फिर माइनस, तो भी था कि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, फिर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई, यानी जो आगे थे एक्स इंटू उन्हीं दोनों के स्क्वायर रूट 1 माइनस स्क्वायर, ऐसे था है ना। तो आगे क्या है, आगे है 7 कोस, एक तो दिखा रहा है 749 जो कोस स्क्वायर है, उसने तो बता दिया कि 7 कोस एक्स का होल स्क्वायर, फिर दूसरा क्या बना है? जो बच रहा है, दूसरा जो बच रहा है वो किसका, जो फर्स्ट में बच रहा है उसका, जैसे यहाँ इससे तो पता लग गया कि ये 7 cos x का होल स्क्वायर, फिर क्या बच रहा है, ये बच रहा है, तो ये डेफिनेटली किसका बनेगा, तो वहां पे 7 cos x के बाद बचा, 7 cos x के बाद क्या बचा, cos x बचा है, ये वो उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी देखो, जो पिछले क्वेश्चन में किया था मैंने, सेम टू सेम वही बात यहाँ पर आएगी कि cos इनवर्स, मैं इसको ये लिखूं 7 cos x माइनस cos इनवर्स cos x, ये लिख दूं, या फिर और cos इनवर्स cos x फिर माइनस cos इनवर्स 7, कौन सा लिखूं मैं? अब ये समस्या आ रही, ये प्रॉब्लम, हम तो खैर कुछ नहीं, बस आपको ये बताने के लिए कि आप अपने मन से कुछ मत, वो भी आप चेक करना, इसके लिए आपको ये दिया है कि x जो है ना वो x क्या है, तो से 5/2 के बीच का है, ठीक है। और ये जो फॉर्मूले थे, इस फॉर्मूले में क्या बताया था मैंने, कि x लेस देन y है या फिर एक्स ग्रेटर देन वाई, उस पर डिपेंड करता है। इसमें एक तो है 7 cos x और एक है cos, 0 से π/2 के अंदर cos इनवर्स का ग्राफ, सॉरी cos x और 7 cos x में कौन, cos इनवर्स नहीं cos, इधर कौन है 7 cos x और cos x, 7 cos x तो यहाँ होगा, देखो तो ग्राफ, ये तो 7 cos x, 7 का ग्राफ ऐसे होगा, तो cos x का ये ग्राफ है, कौन बड़ा है, 7 cos x बड़ा है, साफ साफ लिखना है, कैसे लिखना चाहिए हमें, कौन सा बड़ा है, 7 cos x बड़ा है ना, और 7 cos x बड़ा है इसके अंदर, तो इसका मतलब 7, यहां मैंने लिख दिया है ये, यहां लिखा मैंने cos x क्या है लेस देन 7, 7 cos x, मेरे को क्या लिखना चाहिए, ये वाला या ये वाला, मैं जरा सोचो कि अगर x y से छोटा है तो जो बड़ा है वो क्या आएगा, बाद में आएगा ना, यही तो था, जो बड़ा है वो बाद में आएगा, यानी ये वाला नहीं लिखा जाएगा, ये वाला लिखा, फॉर्मूला याद है, नहीं याद जाओ दोबारा नहीं लिखूंगा, जाओ क्यों देखो, ये वीडियो में लिखाया हुआ थोड़ी देर पहले भी, ये लिखा जाएगा। अब क्योंकि x फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो प्रिंसिपल वैल्यू में भी है, तो ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली टर्म तो क्या दे देगी, x दे, x माइनस cos इनवर्स, यही हमारा फाइनल आंसर होगा, क्या क्या था कि इस, ये प्रूव करना था x माइनस cos इनवर्स 7, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो में बताया था ना मैंने, तो देखो कोई बात नहीं, तेरे पास बस ये क्वेश्चन तो क्लियर है ना। अब ये वाला क्वेश्चन, तो अब और आगे बढ़ते हैं, देखो देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं।
जो भी है, छह पढ़ ली थी ना हमने, अब आती है सेवन। देखो सेवन प्रॉपर्टी से पहले आपको एक तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे, टू थीटा के और थ्री थीटा के। ठीक, और टू थीटा के कौन कौन से, साइन के, एक तो साइन के, कोस के और टैन। मैं एक बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए। टू थीटा का साइन क्या था, यानी साइन टू थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा कोस थीटा। एन के फॉर्म में भी था एक, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस सॉरी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कोस टू थीटा का, एक तो टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस एक ये भी था वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, एक था कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पर हम इसी का यूज करना है हमें तो यहाँ पे। और एक टेन की फॉर्म में भी था कि वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर टेन टू थीटा का फॉर्मूला था, टू टेन थीटा अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वायर। फिर थ्री थीटा पे आते हैं तो साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला, थ्री साइन थीटा माइनस का फोर साइन क्यूब। ऐसे ही कोस थ्री थीटा का, फोर कोस क्यूब थीटा माइनस का थ्री कोस थीटा। फिर टेन थ्री थीटा का, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन में वन माइनस का थ्री टेन स्क्वेयर। तो ये फॉर्मूले थे टू थीटा और थ्री। तो ये तो हमें याद होने चाहिए सारे, नहीं याद तो भी मैंने इसलिए लिख दिए ताकि आप एक बार इनको रिकॉल कर सकें। अब चलते हैं हम हमारी प्रॉपर्टी पे। इस प्रॉपर्टी में भी होगा क्या, हमें टू साइन इनवर्स एक्स, थ्री साइन इनवर्स एक्स, इनके फॉर्मूले बनाने हैं। तो देखो यहां लिखा मैंने कि टू साइन इनवर्स इसके लिए, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो तो होता है कि साइन इनवर्स टू एक्स, या पहले मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं। देखो पूरा टू साइन इनवर्स एक्स का ये फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स टू एक्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स, फिर पाई माइनस साइन इनवर्स टू एक्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स, फिर था माइनस पाई माइनस का साइन इनवर्स टू एक्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स। ये है जब एक्स इस इंटरवल में, कैसे आ रहा वो भी बताऊंगा क्योंकि मेन चीज तो वही है ना, कैसे आ रहा है। ऐसे तो कोई भी लिखा मिल जाएगा, कहीं से भी पढ़ लोगे ऐसे, पर हमें केवल यही, कभी भी ऐसा नहीं पूछती आपसे कि ये है फॉर्मूला है इसका अप्लाई कर दिया, उस फॉर्मूला के पीछे क्या लॉजिक है, वो आया कैसे, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और ये है थर्ड, एक्स लेस देन माइनस वन बाय, दैट इज हमारी प्रॉपर्टी। ये साइन टू थीटा से ही बन रहा है फर्स्ट। तो देखो फर्स्ट कैसे बना, हालांकि मैं तीनों का बताऊंगा लेकिन फर्स्ट तो याद रखने का तरीका हमारे पास ऑलरेडी है। ये फॉर्मूला याद है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, क्या था साइन इनवर्स, बोलो क्या था, एक्स रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ऑफ वन माइनस एक्स। क्या कंडीशन थी, ये कब होगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो लेस देन इक्वल टू वन हो, मैं तो बताया था। तो इसमें मैंने इस एक्स की जगह वाई की जगह मैंने कर दिया एक्स, यहाँ एक्स कर दो आप, यहाँ एक्स हो गया, यहाँ पर भी एक्स हो गया, वाई की जगह एक्स कर दिया,
क्या बन गया इधर, तो साइन वर्स एक्स बन गया टू साइन इनवर्स एक्स, इधर साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस एक्स के, एक्स रूट वन माइनस के, ये क्या बन गया टू एक्स रूट वन माइनस एक्स के, सर ये बन गया। और यहाँ पर भी एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन बाय टू, तो मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन बाय रूट टू, इसको सोल्व करना जानते हो क्या आ जाएगा, माइनस वन बाय रूट टू से प्लस का वन बाय, यानी वो जो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई था, मैं क्या कर दो वाई की जगह एक्स कर दो, तो आपके पास क्या फार्मूला बन गया टू साइन इनवर्स एक्स का बन गया। सेम कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का भी जानते हो ना, तो उसमें भी वाई की जगह एक्स कर दो, और कंडीशन जो है वो भी लगा दो उसमें भी वाई की जगह एक्स कर दो, तो फिर क्या बन जाएगा टू कोस इनवर्स एक्स का बन जाएगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जानते हो, उसमें भी वाई की जगह एक्स कर दो तो टू टेन इनवर्स एक्स का बन जाएगा, लेकिन उनसे आपको प्रिंसिपल जो वैल्यू थी वो मिलेगी, बाकी से और भी तो वैल्यू है वो भी निकालनी है, उनको निकालने के लिए क्या करना है देखो, ये तो मिटा देता हूँ, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, समझ तो गए आप, अब कर रहे हैं हम इसका प्रूफ कि ये कैसे आया। ठीक है, तो उसके लिए देखो लेट वाई इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स ऑफ वन माइनस एक्स, इसको लिया मैंने। देखो जब भी प्रूफ करना होता है ना, मैं कुछ याद करो छोटी क्लास में कैसे करते थे, जो बड़ी साइड होती थी उसको लेते, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे वो राइट, तो मोस्ट प्रोबली केस ऐसे थे जिनमें लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या होती थी बड़ी होती थी, राइट हैंड साइड कोई डिजिट होती थी या कोई छोटा एक्सप्रेशन होता, तो हम क्या करते हैं अधिकतर हम मेनली जो बड़ा एक्सप्रेशन है उस साइड को, जो बड़ी साइड है, बड़ी साइड मीन्स वो साइड जिसमें एक्सप्रेशन थोड़ा सा बड़ा है उसको लेते हैं, क्योंकि उसमें करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज होती है कि उसमें कुछ किया जा सकता है। अब सपोज ऐसे दिया कि आपको ये प्रूव करो ये पाई आएगा, एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दे दिया टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई एनीथिंग जेड फलाना डिगड़ा है, उसमें सब कुछ जोड़ दिया, प्रूव दैट दैट इज इक्वल टू पाई, क्या पाई को लेके स्टार्ट कर दें कि पाई लिया पाई में कुछ ऐड किया उस पाई को से वहां तक पहुंच जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो इसलिए मोस्ट प्रोबली हम क्या करते हैं जो एक्सप्रेशन बड़ा होता है उसको तो लेते हैं उसको कंसिडर करते हैं, क्योंकि उसमें करने की बहुत संभावना है। तो मैंने लिया y इक्वल टू साइन इनवर्स, अब ये भी आपको बताया था कि जब कभी ऐसा होगा, क्वेश्चन दो तरह के बताए थे मैंने आपको, p इनवर्स के अंदर या तो होगा ट्रिग्नोमेट्री या फिर t इनवर्स के अंदर x एक्सप्रेशन ऑफ x, x का कोई एक्सप्रेशन, मैंने कहा था कि अगर t इनवर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री होगी तो यूज ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं उनका यूज करो, और फिर मैंने कहा था कि अगर टी इनवर्स के अंदर एक्स का एक्सप्रेशन हो कभी भी तो हम क्या करेंगे उस एक्स को कुछ ना कुछ ऐसा एज्यूम करेंगे जिससे अंदर वाला एक्सप्रेशन पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाए, उसी में जो बाहर इनवर्स है उसी में कन्वर्ट, याद है या नहीं है, ऐसे बताया था ना कि टी इनवर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री है, तब तो क्या करो तब तो आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करके उस ट्रिग्नोमेट्री अंदर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को किस में कन्वर्ट कर दो, बाहर जो टी इनवर्स है उसी में कन्वर्ट करो। दूसरा बताया था कि टी इनवर्स के अंदर अगर एक्स का एक्सप्रेशन है तो फिर उस एक्स के एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एक्स की जगह कुछ एज्यूम करेंगे ए साइन थीटा ए कोस थीटा ए टेन थीटा ए सेकेंड थीटा ए कोसेकेंड थीटा एंड एनी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, और ऐसा एज्यूम करेंगे जिससे बाहर जो इनवर्स है वो ही क्या हो जाए अंदर बन जाए। आई होप याद होगा ये आपको, ऐसे क्वेश्चन किए भी थे मैंने आपको कराए थे, तो इसमें क्या करना चाहिए ये कौन से वाला है? ये वाला है कि टी इनवर्स के अंदर क्या आ रहा गया कोई एक्सप्रेशन आ गया एक्स, तो मेरे को क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने लिखा लेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, सबसे बेस्ट है यही करना होगा ना, एक्स इक्वल टू साइन थीटा। अब इससे फायदा क्या होगा, एक्स इक्वल टू साइन थीटा मानने से देखो साफ साफ दिख रहा है कि साइन इनवर्स के अंदर जो है ना वो
वो क्या बनाएगा, टू साइन थीटा फिर रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो क्या होगा, टू साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो देखो और जो थीटा हम लेंगे वो थीटा ऐसा लेंगे इस इंटरवल का, थीटा की जो वैल्यू होगी वो इस इंटरवल की होगी माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू। यही क्यों लिया, इतने में ही तो साइन इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यही तो उसकी प्रिंसिपल रेंज होती है। एक और जब साइन थीटा इस इंटरवल का हो गया तो क्या हो गया, एक्स, एक्स हो गया माइनस वन से प्लस वन, यही बनेगा ना। चलो देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स टू साइन थीटा फिर रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन इनवर्स टू साइन थीटा ये क्या बन गया। अब आप कहोगे कि सर कोस स्क्वायर ऐसे बना ना, ये कि कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, मोड ऑफ कोस थीटा होता है तो सर, लेकिन x किस इंटरवल का है, ये देखो इसमें इंटरवल का मतलब थीटा x नहीं सॉरी थीटा, थीटा इस इंटरवल का है, इस क्वाड्रेंट का, इस क्वाड्रेंट में भी कोस प्लस होता है, इसमें भी कोस प्लस होता है, यानी मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख दूं, कोस थीटा ही लिख दूं, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर कोई मोड वगैरह नहीं लगाया, ये लिखा है। अब ये बन गया साइन इनवर्स साइन टू थीटा, और थीटा था इस इंटरवल में, टू थीटा कहां से कहां तक हो गया, टू थीटा हो गया देखो पूरे को टू से मल्टीप्लाई किया तो माइनस पाई से लेके प्लस पाई के बीच, ये हो गया टू माइनस पाई से प्लस पाई के बीच। अब क्या मैं इसको हटा दूं, डायरेक्ट यहां लिख दूं साइन इनवर्स साइन टू थीटा की जगह टू थीटा लिख दूं, क्या यहां टू थीटा लिख दूं, ऐसे लिख दूं क्या, बताओ सही है कि नहीं है, सही है। फिर तुम्हारा क्या बताएं, फिर तुम नहीं पढ़ रहे इसका मतलब, कुछ नहीं कर रहे, अगर तुम ये कह रहे हो कि टू थीटा लिख दो तो फिर तो दिक्कत है भाई, बहुत बड़ी दिक्कत है, ना कुछ तो करना पड़ेगा आपको, दोबारा वीडियो देखो दोबारा पढ़ो, क्योंकि तो ये तो तभी लिख सकते हैं ना जब वो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर, प्रिंसिपल वैल्यू में तो है ही नहीं, ये तो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में, ये प्रिंसिपल वैल्यू तो होती नहीं ना। तो इसलिए क्या करें, साइन इनवर्स साइन के ग्राफ पे चलते हैं, देखो वही एक सारा है अब तो, ग्राफ हो वैसे तो याद हो जाने चाहिए, अब तक इतनी बार यूज हो चुके हैं अब तक तो याद हो जाने चाहिए कि कैसे ग्राफ थे, ऐसा था यहाँ से जा रहा है, जीरो पाई अपॉन टू पाई माइनस का पाई अपॉन टू माइनस का, तो हमारा जो एंगल है ना वो इसमें इस यहां से लेके यहां तक का है, इतना इतना इतने इतने इंटरवल में देखो तीन ब्रांच आ रही है, एक तो ये वाली, एक ये वाली, ये तो है वाई इक्वल टू एक्स, ये वाली कौन सी है, स्लोप तो इसका माइनस का है वाई इक्वल टू माइनस एक्स, और पाई लिखेंगे पाई माइनस एक्स, क्योंकि जब पाई रखेंगे तो जीरो बनेगा। इधर देखो इसका स्लोप, ये जो लाइन है ना ये लाइन, इस लाइन की इक्वेशन है वाई इक्वल टू माइनस का तो एक्स है इसका स्लोप, और यहाँ पे माइनस का पाई, जब एक्स जब माइनस पाई रखूँगा तभी जीरो बनेगा, और जब माइनस पाई बाई टू रखूंगा तो माइनस पाई बाई टू बनेगा। इतने इंटरवल में तीन ब्रांच आ रही है, तो यानी इसको तीन बार ब्रेक करना पड़ेगा, याद है साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई में भी तो हमने ऐसे किया था, तो साइन वर्स साइन टू थीटा जो है देखो तो साइन इनवर्स साइन टू थीटा को तीन पार्ट में ब्रेक, पहला तो मैंने लिखा माइनस पाई माइनस का, ये कब, अगर जो टू थीटा है वो क्या हो जाए माइनस पाई से तो बड़ा और माइनस पाई बाय टू से छोटा, जो टू थीटा है वो माइनस पाई बाय टू से छोटा, फिर मैं इसको डायरेक्ट टू थीटा लिख दूं, कब, इफ टू थीटा माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में हो जाए, और इसको पाई माइनस टू थीटा लिखूं, ये कब, जब टू थीटा
है क्या हो जाए, पाई से छोटा लेकिन पाई बाय टू से बड़ा। इतनी बात समझ में आई? अब ये जो था ना, देखो साइन वर्स साइन टू थीटा, ये किसकी वैल्यू? वाई की, यानी साइन वर्स साइन टू थीटा क्या था? वाई। तो इसका मतलब वाई जो है, वाई इक्वल टू माइनस पाई माइनस टू, थीटा की वैल्यू क्या आएगी? थीटा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स साइन। ये देखो एक्स इक्वल टू साइन थीटा था, यहाँ से दिख रहा है ये एक्स इक्वल टू साइन थीटा था, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस पाई माइनस टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ पर भी क्या लिख दिया मैंने, इफ टू साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाए माइनस पाई बाय टू से, यहाँ पे लिख दिया मैंने टू साइन इनवर्स एक्स में, कि टू साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाए माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में, फिर लिखा मैंने पाई माइनस टू साइन इनवर्स एक्स में, लिखा इफ पाई बाय टू से छोटा, टू थीटा जो हो वो क्या हो, ये इक्वालिटी नहीं आएगी। यहाँ पे भी थीटा नहीं आएगा, थीटा की जगह तो क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स आएगा, साइन इनवर्स एक्स क्या हो बड़ा हो पाई बाय टू। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, क्या इनइक्वालिटी, देखो ये टू पहले इस टू से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो मैं इस इनइक्वालिटी को यहाँ सॉल्व करके बता रहा हूँ कि टू साइन इनवर्स एक्स लेस देन है माइनस पाई बाय टू, तो साइन इनवर्स एक्स क्या बन गया माइनस का पाई बाय फोर। दोनों तरफ साइन ले लिया मैंने, साइन साइन इनवर्स एक्स साइन माइनस का पाई बाय फोर, साइन इंक्रीज करता है इस इंटरवल में। वैसे भी टी टी इनवर्स अपने डोमेन में हमेशा ही क्या होता है एक्स होता है, तो इधर तो बच गया एक्स, इधर माइनस का वन बाय, यानी वाई की जगह वाई की वैल्यू रख देता हूँ। वाई क्या था? वाई था मेरे पास साइन इनवर्स टू एक्स, ये पूरा था, ये वैल्यू रख रहा हूँ मैं देखो इस एक्सप्रेशन में, यानी वाई की जगह लिख दिया साइन इनवर्स टू एक्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स, ये किसके इक्वल, ये माइनस पाई माइनस का टू साइन इनवर्स एक्स, इफ एक्स क्या हो गया लेस देन माइनस वन बाय रूट टू, ये टू साइन इनवर्स एक्स के इक्वल, ये कब, एक्स हो गया माइनस वन बाय रूट टू से प्लस वन बाय रूट टू के में, फिर पाई माइनस टू साइन इनवर्स एक्स, ये कब, ये हो गया एक्स वन बाय, यही हमें प्रूफ करना था। देखो ये लिखा हुआ ना पहले माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स, तो माइनस वन बाय रूट टू से लेस। ठीक है, तो और ये जो था, ये तो मैंने ये लिखा, ये नहीं बना अभी, देखो आप ध्यान से। अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स टू एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर को रीअरेंज कर देंगे, यानी इस देखो इसको आपस में इंटरचेंज किया, सेम इन दोनों को इंटरचेंज किया आपस में, फिर इसको और इसको इंटरचेंज किया, तो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, रीअरेंज कर दिया तो फिर फाइनल आंसर बन जाएगा। देखो इधर तो हो गया टू साइन इनवर्स एक्स, और इधर माइनस का पाई माइनस का टू साइन इनवर्स एक्स, ये कब, इफ एक्स क्या हो जाए माइनस का वन बाय रूट टू से लेस हो जाए, फिर टू साइन इनवर्स एक्स, ये क्या होगा, इफ एक्स माइनस वन बाय रूट टू से प्लस वन बाय रूट टू के बीच में हो जाए, फिर पाई माइनस टू साइन इनवर्स एक्स, ये अगर एक्स क्या हो जाए वन बाय रूट टू से, ये है वो फाइनल फॉर्मूला। तो आपको याद रखना है टू साइन इनवर्स एक्स क्या
तीन डेफिनेशन होती है, तो वो भी किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा माइनस के वन बाय रूट टू। अब यहां से देखो कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे। फॉर एग्जाम्पल आपसे ये कहा कि टू साइन इनवर्स माइनस का या फिर टू साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी बाय डी एक्स ऐसे पूछ लिया आप, ठीक है, ताकि ये बताओ। और एक्स दे दिया आपको कि एट एक्स इक्वल टू, या ऐसे कह दिया कि एक्स ग्रेटर वन बाय रूट टू, ये बताओ। तो अब जिनको नहीं पता वो तो क्या बताएंगे, वो तो ये आंसर बताएंगे कि टू इंटू वन बाय रूट ऑफ वन माइनस एक्स, तो ये आंसर देंगे। जिनको नहीं पता कि इसकी वजह से डेफिनेशन चेंज होगी वन बाय रूट टू से ग्रेटर, और जिनको पता है वो आंसर क्या देंगे, वो देंगे पाई का तो जीरो हुआ, कि वो इसका यूज करेंगे। ये मैंने शायद गलत लिख दिया, दोनों तरफ ही टू साइन इनवर्स एक्स, दोनों तरफ टू साइन इनवर्स एक्स नहीं आएगा, इधर साइन इनवर्स इस साइड में ये गलत लिख दिया, इधर आएगा, इधर तो पूरे आपको पूरा का पूरा चलो ए कर देते, ए इक्वल टू कर दिया टू एक्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स, और यहां पर कर दिया मैंने ए। कर दिया ए यहाँ, ए यहाँ भी ऐसे ही कर लेना, ध्यान में दिया दोनों तरफ एक ही एक्सप्रेशन लिख दिया। तो यहाँ पर भी आपसे ये जो पूछा गया वो ये नहीं, वो ये पूछा गया कि साइन इनवर्स टू एक्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स इसका डेरिवेटिव एक्स ग्रेटर देन वन बाई रूट टू। अब जिनको पता है कि ये क्या बनेगा, ये बनेगा इसमें, तो पाई माइनस टू साइन इनवर्स एक्स बनेगा इसके, तो इसमें डेरिवेटिव क्या आएगा, इसमें आएगा माइनस टू इंटू वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स। और जिनको नहीं पता कि इसकी तीन डेफिनेशन होगी, वो इसका आंसर वो सोचेंगे कि ये तो टू साइन इनवर्स एक्स होता है, वो उसका आंसर ये बता देंगे, जबकि ये आंसर क्या होगा रॉन्ग होगा इस केस। कोई डाउट इसमें नहीं है ना, यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये मैंने ये इस ए को लिखा है यहाँ, ठीक है, ये तो हो गया एक फॉर्मूला। अब ऐसे ही कोस इनवर्स का बना सकते हो, देखो नेक्स्ट है टू कोस इनवर्स, या पहले साइन इनवर्स का बनाए थे, साइन इनवर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, थ्री साइन इनवर्स एक्स का बनाते हैं, थ्री साइन इनवर्स ये भी देखो तीन बनेंगे, एक तो बन गया साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब, एक बन गया माइनस का पाई फिर माइनस का साइन इनवर्स डी एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब, एक बन गया पाई माइनस साइन इनवर्स डी एक्स माइनस फोर एक्स, और ये है इफ एक्स हो गया माइनस वन बाय टू से लेस, ये अगर एक्स हो माइनस वन बाय टू से प्लस वन बाय टू के बीच में, अगले वाला ये एक्स ग्रेटर देन। अब इसका प्रूफ करें, हम तो इसका प्रूफ किए कैसे बन रहा है, मैंने लेट एक्स लेट वाई इक्वल टू साइन इनवर्स dx माइनस फोर एक्स, ठीक है, और x को मैंने मान लिया साइन थीटा, और थीटा तो मैं वही लूंगा,
थीटा की वैल्यू है माइनस फाइव बाय टू से प्लस फाइव बाय टू के बीच में, और एक्स कहाँ से कहाँ तक हो गया, फिर एक्स हो गया माइनस वन से प्लस वन के बीच में इस केस में। वाई क्या बना देखो, वाई बन गया साइन इनवर्स थ्री साइन थीटा माइनस का फोर साइन थीटा। तो ये अंदर जो फॉर्मूला बना ये बना साइन इनवर्स साइन थ्री थीटा। अब वही बात, थ्री थीटा कहाँ से कहाँ तक हो गया, इसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का पाई, सॉरी इसको थीटा नहीं है तो थ्री थीटा कहाँ से कहाँ तक बनेगा, माइनस का डी पाई अपॉन टू से प्लस का थ्री पाई अपॉन टू। अब देखो साइन इनवर्स इसलिए लिया है ताकि दोबारा ग्राफ ना बनाना पड़े, एक बार ग्राफ बना रखा यहीं से यूज कर लो। यहाँ तो हुआ पाई, थीटा तो था थीटा, तीन थीटा है माइनस थ्री पाई अपॉन टू से प्लस थ्री पाई अपॉन। देखो ग्राफ में यहाँ होगा, ग्राफ को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूँ ना मैं, ये जो ये हो गया माइनस का थ्री प्लस का थ्री पाई अपॉन टू, और यहाँ हो जाएगा माइनस का थ्री पाई, यानी अभी भी कितनी वही तीन ब्रांचें बनेगी सेम टू सेम। एक तो ब्रांच बनेगी माइनस थ्री पाई अपॉन टू से लेके यहाँ तक, एक ब्रांच बनेगी यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस फाइव बाई टू से प्लस फाइव बाई टू, एक ब्रांच बनेगी फाइव बाई टू से थ्री पाई अपॉन टू। तो देखो यहाँ लिखें फाइव लिखा मैंने कि साइन इनवर्स साइन थ्री थीटा ये बनेगा, पहले तो माइनस का पाई फिर माइनस का थ्री थीटा फिर थ्री थीटा और पाई माइनस थ्री, ये है जब थ्री थीटा हो यहाँ से माइनस का थ्री पाई अपॉन टू से लेके पाई अपॉन टू तक, ये था थ्री थीटा माइनस पाई अपॉन टू, माइनस का पाई अपॉन टू से प्लस पाई अपॉन टू तक, और ये तीसरा है थ्री थीटा पाई अपॉन टू से तो बड़ा हो और थ्री पाई अपॉन टू से लेस। ठीक है देखो इसको पाई लिख दिया मैंने, पाई अपॉन माइनस पाई हो गया थ्री, पाई माइनस तो ये तीनों को लिखो। अब ये जो इनइक्वालिटी है ना, ओके कि थ्री थीटा क्या हो पाई बाय माइनस पाई बाय टू से लेस, तो यानी थीटा क्या होगा पाई सिक्स, थीटा क्या था कॉस एक्स, साइन इनवर्स एक्स क्या हो गया पाई बाय सिक्स, दोनों तरफ साइन ले लिया साइन साइन इनवर्स एक्स, एक्स को साइन माइनस पाई बाय सिक्स जगह लिख दिया एक्स लेस देन, तो माइनस वन से तो ग्रेटर है ही, दैट इज अंडरस्टूड। एंड एक्स की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी फिर माइनस वन बाय टू से प्लस, हाँ हो जाएगी एक्स की वैल्यू वन बाय टू से, और वन बाय टू से ग्रेटर ऐसा नहीं कि आप कह दो कि थ्री बाय टू से ग्रेटर, थ्री भी होता है टेन भी होता है, तो टेन थ्री वो सब में एप्लीकेबल नहीं है। एक्स क्या है, एक्स कंट्रोल का था ये याद रखो, माइनस वन से प्लस वन, जैसे ये कहा ना ये लेस देन माइनस वन बाय टू है तो कितना है, माइनस वन से तो बड़ा है, ये वन बाय टू से बड़ा है तो लेकिन वन से लेस है, इक्वल टू होता है। ठीक है ये तो वाई बना, अब वाई की वैल्यू क्या थी, वाई सारी है साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस, क्या देखो इसको ऐसे लिख दिया तो थोड़ा सा ट्राई करें, कोई इंटरचेंज किया और इसको सेम दोनों को इंटरचेंज,
कर दिया मैंने पी साइन ऑफ एक्स माइनस का पाई ए पाई माइनस बाय टू अबे माइनस बाय टू का साइन एक्स है और वाई की वैल्यू रख देते हैं, वाई की वैल्यू जैसी रख पाई माइनस देखो वाई की वैल्यू तो ठीक है तो बन गया एक्स पाई माइनस एक्स 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 ये बना लिखा था ये हो गए साइन इनवर्स के दोनों हो गए, टू साइन इनवर्स एक्स का भी हो गया और थ्री साइन इनवर्स एक्स का भी हो गया, है ना। क्या करना है हमें आज के लिए तो इतना ही करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें साइन इनवर्स का टेन की फॉर्म में भी बनता है ना, जैसे साइन का टेन की फॉर्म में भी एक फार्मूला था ना साइन टू थीटा का, तो टू साइन इनवर्स का टेन इनवर्स की फॉर्म में भी एक फार्मूला बनेगा। फिर तो साइन इनवर्स के तीन बनेंगे ऐसे, फिर कोस इनवर्स का ही बनेगा ऐसे, ठीक है। और कोस इनवर्स के भी फिर तीन बनेंगे, टेन की फॉर्म में भी कोस टू थीटा का भी और कोस थ्री थीटा का, फिर टेन के भी बनेंगे दो, टेन टू थीटा का और टेन थ्री। उसके बाद ये सारी आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद बचती है दो चीजें, दो चीजें कौन सी, एक तो इक्वालिटी आईटीएफ और एक समेशन ऑफ सीरीज। उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट है, यानी मैक्सिमम थ्री वीडियोज और होंगे, उसके बाद आईटीएफ आपका कंप्लीट। और जिस हिसाब से पढ़ाया मेरे को लगता है कि मैंने सारा पार्ट कवर किया, ठीक, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अधिकतर इनके प्रूफ नहीं बताते हैं, लेकिन मैंने फिर भी आपको सारे के सारे प्रूफ बताए हैं। टी इनवर्स एक्स प्लस टी इनवर्स वाई का प्रूफ भी बताया, इनका ही प्रूफ बताया सारा। आपको बेसिक कंसेप्ट याद रखने कि प्रूफ कैसे किया गया, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ तो बहुत कम होगा, मेनली हमें प्रूफ आना चाहिए, प्रूफ के अंदर ही क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि कई बार ज़रूरी नहीं इस इंटरवल चेंज करके क्वेश्चन दिया जाएगा। तो उसको अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आया ना कि कैसे किया जा रहा है, तो ही आप उस क्वेश्चन को कर पाओ। हम करेंगे ऐसे क्वेश्चन भी आगे। तो आज के लिए इतना, वीडियो को लाइक करो, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो इसको सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी चैनल को सजेस्ट करो ताकि उनको भी बेनिफिट मिले इनका। और थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।